what's up and welcome back to my channel. So whenever I post fashion videos on my channel na, to tum sabka hamesha main question mere kapdon ke regarding nahi hota, matlab thoda sa hota hai, but mostly zyada hota hai ki tumne un kapdon ke niche kya pehna hai. But I understand kafi logo ka question hota hai, Sonia, what kind of bra should we wear under any certain type of clothing. So this time maine bahut zyada bras order kari hai from Meesho, so that it will be easier on my pocket and as well as yours, kyunki bahut zyada time ho gaya tha mujhe khud ka bhi bra collection, bra wardrobe, you know, change karna tha. तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्राज ऑर्डर करी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा वाली. तो हम अभी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो है अच्छी या नहीं है, वर्क करती भी है या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट है न्यूड कलर में एक स्ट्रैपलेस ब्रा. इसके अंदर एक और ब्रा है. इमेजिन इतने छोटे से पैकेट में दो ब्रास बिल्कुल ही ठुसके आई हैं. ओ माय गॉड, इसकी हालत ख़राब है यार. ओके डोकी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बेचारी की यहाँ से हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल दब चुकी है. ये पैडेड थी एंड इसके अंदर से हालत देखो. इन्होंने पैकेजिंग बिल्कुल अच्छे करके नहीं भेजी है, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं. साइज मेरा ही लग रहा है. ओके लेट्स सी. ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट. काफ़ी सीमलेस इफेक्ट आ रहा है. ऑल्सो मैंने इसके स्ट्रैप्स निकाल दिए हैं जो कि बहुत ही ईजिली रिमूवेबल थे यार, तो इसको भी साइड में रख देते हैं. ये मेरे को 278 रुपीज़ की ब्रा पड़ी है. वैसे काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रही है, अभी कोई कंसर्न नहीं है. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ये है, वो पर्सनल भी हो सकती है, आई डोंट नो. जो इसका पीछे का स्ट्रैप है ना, इट्स वेरी पतला. बट जो मेरी खुद की ब्रा है पुरानी वाली, जस्ट लुक एट द स्ट्रैप, इतना मोटा स्ट्रैप इन लोगों ने दे रखा है. ऑल्सो ऊपर और नीचे एट द इनसाइड पार्ट इन्होंने एक ऐसा कुछ सिलिकॉन ग्रिप दे रखा है विच जस्ट स्टिक्स टू योर बॉडी, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रैपलेस ब्राज में, बिकॉज दे जस्ट कीप फॉलिंग. तो अगर ऐसा कुछ ग्रिप हो ना, इट जस्ट स्टिक्स टू योर बॉडी एंड ज़्यादा यू नो मूवमेंट होती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. बट इस ब्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है. बट अगेन कंसिडरिंग द प्राइस 278 रुपीज, इतने में इतना ही मिलेगा आई गेस. सो नेक्स्ट है हमारी प्यारी सी स्पोर्ट्स ब्रा, जो कि बहुत ही क्यूट छोटे से पैकेट में आई है. मेरा जो दिन शुरू होता है, जो मेरी फर्स्ट ब्रा होती है दिन की, वो होती है स्पोर्ट्स ब्रा, क्योंकि सुबह मैं जिम जाती हूँ. तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं यहाँ से. ये मुझे 200 रुपीज़ की पड़ी है, काफ़ी हैवी है, ट्राई करके देखते हैं. ये ब्लाउज क्यों लग रहा है, इतनी सुंदर स्पोर्ट्स ब्रा पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है मुझे. जोक्स अपार्ट, अच्छी है, काफ़ी स्टाइलिश है और कवरेज भी अच्छा दे रही है. एक बार मैं अपने जिम टॉप के अंदर इसे ट्राई करके देखती हूँ कैसी लग रही. ओ भाई साहब, नाइस कवरेज, हाँ सब कुछ इसमें छुपा दिया है. ओके फ्रॉम द बैक, ओ आई लाइक इट. ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है टॉप का पार्टी है, दिस मैश डिज़ाइन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी कंफर्टेबल है यार. वैसे इन्होंने बोल रखा है कि ये पैडेड है, बट ज़्यादा खास पैडिंग नहीं दे रखी है. आई मीन द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग आउट ना, तो थोड़ा सा सी थ्रू वगैरह हो सकता है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन 200 में नाइस क्वालिटी, अच्छा है. 100 की 2 किलो, 100 की 2 किलो, इतनी सारी ब्राज, ये पूरा एक पैक आया है 585 रुपीज़ का. ये कैमी टॉप का पैक है, तो पर ब्रा तुम्हें 150 रुपये से भी कम की पड़ गई यार. मुझे तो काफ़ी सही लग रही है. ये मेरी फेवरेट टाइप ऑफ ब्रा है, क्योंकि इसे तुम ऐसे ब्रा की तरह भी पहन सकते हो या फिर एक टॉप की तरह भी, ऊपर जैकेट वगैरह पहन के ऐसे मस्त स्टाइल वगैरह मार सकते हो. ओके आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मस्त फिट और क्वालिटी लग रही है इसकी. लेकिन अगर पास से देखोगे ना, तो जिसके अंदर पैडिंग है जो कि इन्होंने स्टिच नहीं कर रखी और ये स्टिक भी नहीं है, तो इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग, तो वो थोड़ा सा दिख सकता है. ऑल्सो तुम्हें ये लग रहा होगा क्योंकि ये स्ट्रेट ऐसे लाइन आ रहा है ना, तो तुम इसके ऊपर वी नेक वाले टॉप्स या शर्ट और चाहे ड्रेसेस वगैरह कुछ नहीं पहन सकती. बट दैट्स वेरी रॉन्ग माई चाइल्ड, आई डू इट ऑल द टाइम, लुक एट इट. परफेक्ट कवरेज, कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड वी नेक, तो या परफेक्ट. सरप्राइज सरप्राइज, फिर से 100 की 2 किलो. ये ब्रालेट टाइप में 3 ब्रास का पैक है. 322 की मुझे ये पूरा पैक पड़ा है, जिसमें 3 ब्रा आई है. तो एक पड़ी तुम्हें, यू डू द मैथ, मैं एक बार चेंज करके आती हूँ. आई एम 100% रिकमेंडिंग दिस ब्रालेट ब्रा. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. मैं इतने टाइम से सोची थी कि इस येलो टॉप के नीचे क्या पहनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये थोड़ा डीप था. एंड दिस ब्रालेट इज मेकिंग इट लुक सो नाइसर, रिचर, क्लासियर, प्लस गिविंग मी अ रियली नाइस कवरेज इन अ वेरी नाइस बजट. मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. पीछे से ये कुछ ऐसा लग रहा है, इट्स सो ड्रीमी, सो क्लासी. प्लस हमारे पास वाइट और ब्लैक कलर्स भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं यार. सो डू यू ऑल रिमेंबर, जो हमने फर्स्ट पैकेज खोला था उसमें 2 ब्रास थी, तो हमने सिर्फ एक ही ट्राई की थी. एक और मेरी बची है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो है ये स्ट्रैपलेस ब्रा. हाँ ये भी एक स्ट्रैपलेस ब्रा है, लेकिन विद अ ट्विस्ट, ये एक बैकलेस ब्रा भी है. ओके आई विल शो यू हाउ. ओके सो दिस इज हाउ द ब्रा लुक्स लाइक. वाओ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी. ओ ये पुशअप भी है, नाइस. तो ये तो हमारी नॉर्मल जो स्ट्रैपलेस ब्रा होती है वो बन गई, लेकिन अगर तुम्हें इसे बैकलेस ब्रा भी बनाना है,
तो इसके साथ ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स भी आई है जो कि तुम इसे पीछे लगा सकते हो, तुम फिर बहुत ही सेक्सी बन सकते हो शादी में या फिर पार्टीज में। मुझे बनना है अभी, एक सेकंड रुको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, काफी अच्छा सीमलेस इफेक्ट दे रहा है एंड जिस चीज के लिए बनी है विच इज द बैकलेस थिंग परफेक्टली वर्क कर रहा है यार उसके लिए। एंड जिसका प्लास्टिक स्ट्रैप है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है, बिल्कुल भी इची नहीं फील हो रहा है, कंसीडरिंग मैंने इतनी गर्मी इतने पसीने में पहन रखा है ना। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत ही मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें जो वो प्लास्टिक वाला स्ट्रैप है सिर्फ ऐसे स्पेशल ओकेजन्स या फिर स्पेशल आउटफिट्स के लिए बचा के रखना है ना, तो इन्होंने अलग से नॉर्मल वाला स्ट्रैप भी दे रखा है। ये लगाओ तुम्हारी नॉर्मल स्ट्रैपलेस ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाइस यार। ऑल्सो ये मुझे 447 rupees की पड़ी है, मैं कहूँगी काफ़ी ठीक है क्योंकि यार इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है एंड काफ़ी एक्सेसरीज वगैरह भी दे रखे हैं इन्होंने। नाइस। मैंने थोड़ी सी फैंसी ट्यूब ब्रास भी मंगवाई है। मैं जब टीनेजर थी मैं ऐसी वाली ब्रास बहुत पहनती थी, ऐसी फैंसी वाली नहीं जो बिल्कुल ऐसे प्लेन आती थी ना वो वाली, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है इनको ट्राई करने का। ओके लेट्स डू इट। मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है एंड ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रैपलेस ब्रा वाली वाइब दे रही है, बट थोड़े से हल्के लाइटर वर्जन में, लाइक इसमें वायरिंग नहीं है, पैडिंग भी ऐसे हल्की फुल्की है, तो समर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ऐसे डीप नेक टॉप्स के साथ भी तुम इसे पहन सकते हो, ऐसे अच्छी मैश डिटेलिंग आएगी ऊपर, बहुत ही क्लासी लगेगा। वरना एक नॉर्मल टी शर्ट टॉप भी पहन सकते हो यार, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड या मूवमेंट में भी काफी सही लग रहा है। 247 rupees की मुझे तीन ये ट्यूब ब्रास पड़ी है भाई साहब, ऐसा लग रहा है मेरे क्या ही डील पा लियो। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ज्यादा पहने जाने वाली बहुत ही क्लासिक बेसिक टी शर्ट ब्रा। तो ये मेरे को तीन आई है एक ही पैक में, 1, 2 और 3 भाई साहब। ऐसे खुशी हुई आई हुई थी, लाइक आई डोंट नो इसकी पैडिंग का क्या हाल हुआ होगा, इसे ओपन करके चेक करते हैं। उम्मीदें नहीं है मेरे को ज़्यादा। ओके वैसे पहनने के बाद तो काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन क्योंकि पैकेजिंग में बिल्कुल ऐसे घुचपुच होके आए थे ना, तो उसकी पैडिंग एक्चुअल में ख़राब हो गई थी मैंने देखा, तो उसकी वजह से कैमरे में तो पता नहीं कि स्मूथ इफेक्ट आ रहा है शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन रियल में वो लाइंस दिख रही है पैडिंग की, वो मुझे बिल्कुल भी यू नो अच्छी नहीं लग रही है। एंड ये मुझे 369 की तीन ब्रास पड़ी है, वैसे काफ़ी सस्ती है एंड या इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं हो रहा, तो आओ इसे उतार से कुछ और ट्राई करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास 249 rupees में एक डीप प्लंजिंग नेकलाइन वाली ब्रा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, रिब्ड में है, कोई वायरिंग नहीं है। लेकिन ऐसे वाले टॉप देखा, ऐसे वाली ब्रास को अगर टॉप्स की तरह पहनना चाहना तो जिसकी पैडिंग है ना ये थोड़ा सा ख़राब कर देती है, लेकिन इट्स ओके। एक बार मुझे शर्ट पे ट्राई करना है, अगर मुझे यहाँ तक डीप नेकलाइन, ओ माई गॉड ये बहुत सही लग रहा है, क्योंकि यूजुअली आई एंड अप वेयरिंग मेरी स्ट्रैपलेस वाली ब्रा ही हर टॉप के नीचे, क्योंकि मैं उसको हर चीज़ के नीचे चलाती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है यार। इट्स लुकिंग नाइस, बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है, सब कुछ कवर्ड भी है, इट वर्क्स। हमारे पास और भी स्पोर्ट्स ब्राज है भाई साहब, स्पोर्ट्स ब्राज देख के ना आजकल मैं इतनी क्रेजी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे जिम फ्रीक हुई हुई हूँ ना पूरी वाली। तो मेरे पास एक ये ब्रा है और फिर मेरे पास 1, 2 और 3 टोटल ब्राज है। 557 की मुझे ये स्पोर्ट्स ब्रा पड़ी है। एक प्रॉब्लम मुझे ये है कि जो स्पेलिंग इन्होंने यहाँ लिखी है वो वेबसाइट पे अलग है, मेरा कंसर्न है ये अलेक्जेंडर वैंग, क्यों 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 किया तुमने मेरे साथ ये। बट आई एम नाउ कन्वर्टिंग इन टू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि अब स्पोर्ट्स ब्रा में एक्सरसाइज करने में ज़्यादा शायद फील नहीं करती है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और नाइस कवरेज। एंड नीचे ना ऐसे क्रॉप इफेक्ट, लाइक ज्यादा छोटी नहीं है, थोड़ा अच्छा ऐसा टॉप टाइप लग रहा है, पीछे से भी ज्यादा डीप बैक नहीं है, बट ऑब्वियसली तुम इसके ऊपर लूज टी शर्ट्स वगैरह, लाइक जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो ना वो तुम इसके ऊपर पहन के जा सकते हो। एंड या काफी अच्छी कवरेज दे रखी है, पैडेड है ये, नाइस। सो गाइस यहां की वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है, आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। सही है, तुम्हें कैसी लगी यार, तुम्हारा रिव्यू क्या है, लाइक तुम कभी परचेज करोगे ऐसी वाली ब्रास? लाइक मेरा 50-50 रिव्यू रहा है, कुछ मुझे अच्छी लगी कुछ मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। तो या आज मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई कि मुझे कैसी वाली ब्रास में इन्वेस्ट भी करना है आगे फ्यूचर में भी। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इस वीडियो में सफर कैसा रहा इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। यस आई विल ओके बाय।